हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखते हैं इंट्रो में कि हेलो अल्केन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हेलो अल्केन दो वर्ड से मिलके बना है, पहला हेलो और दूसरा अल्केन। हेलो स्टैंड फॉर है हेलोजन, हेलोजन हम जानते हैं हेलोजन कौन कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हेलोजन के लिए हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्स। और अल्केन क्या होता है आप जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अब हेलो अल्केन के फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। यदि आप अल्केन में से देखिए, जैसे अल्केन में एग्जाम्पल लूँ CH4, इससे आप क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाएँ और एक हेलोजन जोड़ दें। तो ये देखिए CH3X हो गया, तो ये बन गया आपको हेलो अल्केन। हेलो अल्केन यानी कि आपने क्या किया, अल्केन में हेलोजन ऐड कर दिया। अब क्या हम इसमें एक ही हाइड्रोजन हटा सकते हैं? जी नहीं, आप इससे उतना सारा, आप इसका सारा का सारा हाइड्रोजन हटा करके भी इसमें हेलोजन जोड़ सकते हैं। जैसे अब इसी में से मैं एक फिर से हाइड्रोजन हटा दूं और हेलोजन जोड़ दूं, तो फिर ये बन जाएगा CH2X2। हम चाहें तो इसमें से फिर से हाइड्रोजन हटा दें और हेलोजन जोड़ दें, तो ये बनेगा CH3X3। और फिर चाहें तो हम लोग हाइड्रोजन हटाएँ और हेलोजन जोड़ दें, तो CCl4। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हम लोग उतना जितना हाइड्रोजन है वो सारा हटा करके इसमें हम लोग हेलोजन ऐड कर सकते हैं, और हर एक कंडीशंस में जो है आपको ये हेलो अल्केन बनेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हेलो अल्केन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरिन के बारे में। तो हेलो एरिन दो वर्ड से मिल करके बना है, हेलो प्लस एरिन। ओके, एरिन का स्टैंड फॉर है बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन रिंग। और हेलो मतलब हेलोजन, जैसा कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम बेंजीन रिंग से, ये रहा हमारा प्यारा दुलारा सा बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन रिंग से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल एक हटा नहीं सकते, एट फर्स्ट हम लोग एक हटा रहे हैं, जितना हाइड्रोजन है सब हटा सकते हैं आप। और क्या जोड़ेंगे, हेलोजन जोड़ेंगे। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एरिन। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कंडीशंस में यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्स जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आप डालिए या सीधा आप गोला बना दीजिए, दोनों से कोई फर्क पड़ता है नहीं। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूँ कि यहाँ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी, उसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं इसके लिए यहाँ हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा बेंजीन के स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ। तो आप जानते हो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये देखिएगा जरा, C6H6। मैं एकदम पूरी बेसिक पे डिस्कशन करूँगा ताकि किसी भी तरह का डाउट आपका नहीं हो जाए। तो देखिएगा, बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से अटैच होता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें से आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ, रिप्लेस कर दो बाय हेलोजन। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बन जाएगा आपका हेलो एरिन। जैसे कि ये देखिए, बेंजीन के से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं और Cl जोड़ दूं, तो इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हेलो अल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन में फिर से बोल दूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। ये ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करता है। यदि आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी, तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो पहला क्या है, मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरिन। यहाँ मोनो का मतलब होता है वन। ओके, पहले हेलो अल्केन देख लेते हैं, फिर हेलो एरिन देखेंगे। तो मोनो मतलब क्या होता है, वन। अब यहाँ देखिएगा, यानी कि हेलो अल्केन जिसमें वन हेलोजन हो, ठीक, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज टाइप ऑफ हेलो अल्केन विच कॉन्टेन वन हेलोजन ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए,
CH4 में से अब जस्ट हमने किया था, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक हैलोजन जोड़ देंगे तो बनेगा CH3X। फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3Br, तो ये क्या होगा आपका मोनो हेलो अल्केन। ऐसा नहीं कि CH3 ही होगा, मैं कुछ बड़ा लेता हूँ जैसे C3H8। इससे भी अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक हैलोजन जोड़ेंगे तो C3H7 क्या होगा आपका X होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये मोनो हेलो अल्केन है, इसमें एक हैलोजन होना चाहिए, एक से ज़्यादा हैलोजन होगा तो मोनो हेलो अल्केन नहीं होगा। जस्ट लाइक मोनो हेलो एडीन, यानी कि दोज टाइप ऑफ हेलो एडीन विच कॉन्टेन वन हेलोजन ग्रुप, मोनो स्टैंड फॉर वन। ओके, तो इस कंडीशंस में अगर आप ध्यान देने के लिए जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो फिर से अगर हम बेंजीन रिंग लें और इससे हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाएं और एक हेलोजन मात्र जोड़ें, तो फिर ऐसे कंडीशंस में जो बनेगा उसे कहेंगे हम लोग मोनो हेलो एडीन। क्लियर। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोनो हेलो अल्केन के कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक, मोनो हेलो एडीन का कोई टाइप्स जनरली नहीं दिखेगा आपको, मोनो हेलो अल्केन का टाइप्स दिखता है। चलिए, तो पहला है प्राइमरी मोनो हेलो अल्केन, यानी कि प्राइमरी हेलो अल्केन। ओके, इसे आप एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी कि आप इसका नाम प्राइमरी हेलो अल्केन का क्या लिख सकते हैं, 1° एल्काइल हैलाइड या 1° हेलो अल्केन। ओके, अब ये क्या होता है, देखिएगा, आपने एक नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा होगा, है ना, जब GOC हम लोग पढ़ते हैं तो नेचर ऑफ कार्बन पढ़ते हैं, जिसमें कि आपको मैं याद दिला दूं कि कार्बन कैसे कैसे होते हैं। ये देखिए CH4, ये किसी भी अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसे 0° कार्बन कहते हैं, जबकि ये देखिए CH2, CH3 एंड CH3। देखिए इस कार्बन को देखिए, ये तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि एक अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग 1° कार्बन कहेंगे। इसे भी देखिए, क्योंकि ये एक अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 1° कहेंगे, यानी कि ऐसा कहते हैं आपको कार्बन जो वन अनदर कार्बन से जुड़ा हो वो 1°, जो किसी भी अनदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है वो 0°। नेक्स्ट में 2° दिखाता हूँ, ये देखिए CH, CH2, CH3। अब आप इसे जरा ध्यान देखिए, ये दो अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे 2° कहेंगे, जबकि इसके बारे में बात करें तो ये एक अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसे 1° कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 3°, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आपका, ये देखिए CH3, ये देखिए इस कार्बन को जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये तीन अनदर कार्बन से अटैच है तो इसे हम 3° कार्बन कहेंगे। और एक और एग्जांपल होता है जिसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की बात नहीं है। ओके, आप पेशेंस के साथ इस पूरे लेक्चर को देखिए। चलिए, ये हो गया 3°, 4° कब होगा, ये देखिए दिस वन इज 4°, यानी कि ऐसा कार्बन जो चार अनदर कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन को देखिए 1, 2, 3 और 4 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग 4° कहेंगे। ओके, आई होप कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी हेलो अल्केन क्या होता है। तो प्राइमरी हेलो अल्केन उसे हम कहेंगे जिसमें हेलोजन ग्रुप अटैच होगा 1° कार्बन के साथ, यानी कि ऐसे कार्बन के साथ जो एक और अनदर कार्बन से अटैच हो। तो आप जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन को आप प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको नज़र आएगा कि ये कार्बन एक अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यानी कि ये 1° कार्बन है और ये 1° कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हेलोजन होगा तो इसे हम लोग प्राइमरी या 1° अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, Cl। ओके, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं CH3, CH2, CH2, Br। ओके, आप देखिए ये 1° कार्बन है ना, इधर कितना भी कार्बन हो उससे कोई मतलब नहीं, 1° कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ हेलोजन प्राइमरी हेलो अल्केन या प्राइमरी हेलो एलाइड अल्काइल हैलाइड या 1° हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड कहलाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी
अब हम नेचर ऑफ कार्बन जानते हैं। सेकेंडली वो होगा जिसमें एल हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन आप पहचान सकते हो, ये है आपका क्या 2 डिग्री कार्बन। जरा आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये कार्बन जो कि हेलोजन से अटैच है, ठीक, ये 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि ये 2 एनदर कार्बन से अटैच है। तो आप सेकेंडरी हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन ग्रुप अटैच विद 2 डिग्री कार्बन। चलिए नेक्स्ट, टर्सरी या 3 डिग्री हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या होगा? हेलोजन ग्रुप टर्सरी, ओके, यानी कि 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा। मैं यहाँ फिर से बता दूँ, यहाँ पे 1, 2, 3 कितना भी कार्बन हो डज नॉट मैटर, ये कार्बन जो है, ओके, ये कार्बन कैसा होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री होने का मतलब है ये 3 एनदर कार्बन से क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कि क्या क्वार्टनरी हेलो अल्केन भी पॉसिबल होता है? जी नहीं, क्योंकि अगर कोई भी क्वार्टनरी कार्बन होगा तो वो ऑलरेडी 4 एनदर कार्बन से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, ओके। तो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इस कंडीशंस में आप कहीं पे भी हेलोजन अटैच नहीं कर सकते, इसलिए क्वार्टनरी हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं होता है। अब चलिए याद कीजिए, ये तो हम लोग मोनो हेलो अल्केन में मोनो हेलो अल्केन का टाइप्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग आते हैं, ठीक, नेक्स्ट डाई हेलो अल्केन, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, डाई हेलो अल्केन आप आसानी से पता कर सकते हैं कि डाई हेलो अल्केन क्या होता है, जिसमें क्या हो, हेलोजन 2 प्रेजेंट हो। डाई स्टैंड फॉर 2, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ CH2XX, आप देख सकते हैं ये क्या है आपको, ये है डाई हेलो अल्केन। अब जैसे डाई हेलो एरीन की बात करें तो ये रहा बेंजीनिंग, इसके साथ आप जोड़ दीजिए क्या 2 हेलोजन ग्रुप, ओके, कहीं भी जोड़ देते हैं, मैक्सिमम पोजीशन पे जोड़ते हैं, एक हेलोजन ऊपर एक नीचे, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो स्टेबिलिटी होता है, वो सब बातें हम लोग आगे करेंगे। तो जिसमें 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होगा वह डाई हेलो एरीन या फिर डाई हेलो अल्केन होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाई हेलो अल्केन के बारे में, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, आप ध्यान से देखिएगा, जो कन्फ्यूजन आए तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, है ना, आपको लगे कि आपको तेजी से देखना है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ओके। तो चलिए बात करते हैं डाई हेलो अल्केन के टाइप्स के बारे में। तो डाई हेलो अल्केन के 2 टाइप्स होते हैं, ओके। पहले टाइप्स होते हैं जेम डाई हैलाइड, ओके, जेम डाई हैलाइड। अभी जेम डाई हैलाइड क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि डाई हेलो अल्केन में या डाई हैलाइड में, ओके, डाई अल्काइल हैलाइड में 2 हेलोजन ग्रुप होते हैं, ओके, 2 हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये दोनों सेम ही कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसे हम कहेंगे जेम डाई हैलाइड, ओके, जेम डाई हैलाइड, ओके। नेक्स्ट, अगर सोचिए दूसरा कंडीशन, ठीक, सेकेंड कंडीशन, अगर दोनों हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो, ओके, एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ओके, विसिनल डाइहैलाइड। तो ये 2 तरह के टाइप्स के होते हैं डाई हेलो अल्केन या डाई अल्काइल हैलाइड। पहला जेम, ओके, जेम में जो है दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और विसनल में दोनों विसनल कार्बन से यानी एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ डाई हेलो अल्केन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई हेलो एरीन। तो ट्राई का मतलब आप समझ गए होंगे 3, यानी कि ऐसा हेलो अल्केन जिसमें क्या हो आपको 3 हेलोजन हो। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचिए 3 हेलोजन वाला, यानी CHCl3, यानी क्या करें हम CH4 में से 3 हेड्रोजन माइनस कर दें और 3 हेलोजन क्या करते हैं हम लोग जोड़ दें, तो क्या बनेगा CHCl3। आप इसमें देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है, इसलिए इसे क्या क्या कहेंगे लोग, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन ऐसा नहीं क्लोरीन का ही होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका होगा। देखिए तो पूरी बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। जस्ट लाइक ट्राई हेलो एरीन, ऐसा हेलो एरीन यानी बेंजीनिंग से जुड़ा हुआ हेलोजन जिसमें 3 हेलोजन हो, ओके, यानी कि बेंजीनिंग के साथ कितना हेलोजन जुड़ा होगा, 3, 1,
दो और तीन। आप देख सकते हैं इस व्यंजनिंग के साथ क्योंकि तीन हेलोजन अटैच हो गया है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एडीन कहेंगे। इसके साथ आप सीख चुके मोनो हेलो अल्केन, डा हेलो अल्केन एंड ट्रा हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन को ही अल्काइल हैलाइड करते हैं, उसके टाइप्स को भी सीखे, ओके। और उसके बाद डा हेलो अल्केन की भी टाइप्स को जाने हम लोग, दो इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस हैं, ओके, जेम डा हेलाइड और विसनल डा हेलाइड। और उसके बाद ट्रा हेलो अल्केन और ट्रा हेलो एडीन को भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑफ हेलोजन कंटेनिंग sp3 x bond। देखिए यहाँ पे दो तरह क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, एक में जिसमें कि हेलोजन sp3 से अटैच हो, और दूसरा इसके बाद वाला हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ाव। आप जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वो होता है जिसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। और sp2 वो है जिसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो हम लोग दो की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस तरह के हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हेलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो। तो उसमें पहला जो है आपका आता है, उसका नाम है अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। हेलोजन ये देखिए CH3 के साथ जुड़ा है, ये कार्बन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके टाइप्स को भी हम लोग सीखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ओके। तो ये है, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आराम से समझाऊंगा। देखिए हेलोजन ग्रुप है, ये किससे जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, यानी कि हेलोजन किससे जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसके पास केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक। और ये उसके बाद जुड़ जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक, कि ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं है ना, दिस वन, ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है इसे हम लोग एलाइलिक ग्रुप कहते हैं, और क्योंकि इसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो इसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अगर यहाँ हेलोजन की जगह अल्कोहल जुड़ता तो हम इसे एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये जो आप ग्रुप देख रहे हो इसका नाम है एलाइलिक ग्रुप, ओके। और क्योंकि इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये एक अनदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन हुआ जिसका नाम एलाइलिक हैलाइड है। आगे हम लोग इसमें कंपेयर भी करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अब क्योंकि ये हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा है और आप जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पॉसिबल होता है, इसलिए इसके टाइप्स हैं। जैसे कि पहला प्राइमरी, ओके, यानी कि अगर आपका हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये क्या कैसा हो, 1 डिग्री कार्बन हो, यानी कि 1 अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे कंडीशंस में इसे हम कहेंगे प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। यानी कि हेलोजन से जुड़ा हुआ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, आपको 1 डिग्री होना चाहिए, तो ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। अब अगर यही 2 डिग्री कार्बन हो जाए तो क्या होगा, सेकेंडरी। चलिए देखते हैं, ये रहा हेलोजन, इससे जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके साथ एक और हम CH3 C2H5 कोई भी आप, ठीक, R ग्रुप जोड़ सकते हैं, एल्काइल ग्रुप, और फिर ये देखिए इसके साथ मैं डबल बॉन्ड डालता हूँ। डबल बॉन्ड वाला जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डालना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ये एलाइलिक कहलाएगा ही नहीं, ओके। तो फिर एलाइलिक के टाइप्स की कोई बात ही नहीं आती है। तो ये हो गया, यहाँ देखिए हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड या 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट टर्शरी, आप समझ गए होंगे, हेलोजन जो है 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये है हमारा 3 डिग्री कार्बन, ओके। तो ये इसके साथ फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं आराम से, ओके। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में जो है ये हो गया टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। क्वार्टनरी पॉसिबल नहीं होगा, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी अनदर कार्बन से जो बना दिया है और चौथा भी अगर कार्बन से बनाएगा तो हेलोजन अटैच कहाँ होगा, तो ये है एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंड टाइप
वैसे हेलोजन ग्रुप का, हेलोजन कंपाउंड का, जिसमें हेलोजन किससे जुड़ा हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। तो पहला एलाइलिक, दूसरा बेंजैलिक। ओके, बेंजैलिक ग्रुप क्या होता है, देखिएगा, अगर बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हो, ठीक, इसे हम लोग बेंजैलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक, और इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया क्या, बेंजैलिक हैलाइड। यानी बेंजैलिक हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हो और वो किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि बेंजैलिक और एलाइलिक में क्या अंतर है। तो हम लोग बेंजैलिक वर्सेस एलाइलिक करते हैं, तो इसमें हेलोजन, एलाइलिक में हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, हेलोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन जब हम लोग बात करने जाते हैं किसकी, बेंजैलिक की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हेलोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ तक बातें सेम है, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो करके ये बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एलाइलिक और बेंजैलिक में क्या डिफरेंस है। हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं, इसलिए पेशेंस के साथ आप चीज़ों को देखिए। ओके, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ नोट्स जरूर बना लें, पॉज करके जो है वीडियो को आप नोट्स बना लें, तब जा कर के आप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब बेंजैलिक हैलाइड कौन, इसमें हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हो और ये किसके साथ जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ। इसका टाइप क्या होगा, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, इसका हम नेचर बदल देंगे, ठीक। तो प्राइमरी में यही पहले वाला ही एग्जाम्पल होगा, ये देखिए ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में उपस्थित, आप जानते हो बेंजीन रिंग में C6 होता है, यहाँ पे जो कार्बन अवेलेबल है ना, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये जो बेंजैलिक हैलाइड होगा, ये 1 डिग्री बेंजैलिक हैलाइड होगा। अब चलिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का फिर से नेचर बदलते हैं और 2D बनाते हैं। अब ये CH, इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप आप जोड़ दो, CH3, C2H5, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ, मैं CH3 जोड़ रहा हूँ, ये सिंपलेस्ट होता है, आप C2H5, C3H7 कुछ भी जोड़ सकते हो, है ना, अल्काइल ग्रुप, और इसको फिर से हम लोग जोड़ेंगे बेंजीन रिंग के साथ। ओके, तो ये तो बेंजैलिक हैलाइड है, लेकिन क्योंकि हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसे हम 2 डिग्री या सेकेंडरी बेंजैलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट आता है टर्सरी बेंजैलिक हैलाइड, तो हेलोजन अटैच विथ कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, तो ये रहा 3 डिग्री, और इससे आपको जोड़ेंगे क्या, हम इससे जोड़ेंगे हम लोग बेंजीन रिंग। तो इस कंडीशंस में क्योंकि हेलोजन अटैच है 3 डिग्री हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी बेंजैलिक हैलाइड। में फिर बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ CH3 ही केवल नहीं हो सकता, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये था हमारा कार्बन, जब हेलोजन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हो, इसमें दो तरह का था, एक तो एलाइलिक हैलाइड जो कि बेसिक हेलो एल्केन होता है, दूसरा एलाइलिक, और मतलब पहला क्या एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजैलिक हैलाइड। चलिए अब कंपाउंड कंटेनिंग उस जैसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन किससे जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हो, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस कंडीशंस में पहला जो कि मोस्ट पॉपुलर है वो होता है विनाइलिक हैलाइड। तो अब सबसे पहले देखिएगा, हेलोजन है और ये सीधा अगर ठीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए, तो इस कंडीशंस में आप ध्यान देना, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं हम लोग विनाइलिक ग्रुप। ओके, और क्योंकि इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। अगर हेलोजन के जगह अल्कोहल जुड़ा होता तो हम इसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट को आता है विनाइलिक और एलाइलिक में, ध्यान दीजिएगा, विनाइलिक में हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, जबकि एलाइलिक की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ था sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ और ये जुड़ा हुआ था किसके साथ, कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड के साथ। तो ये बेसिक डिफरेंस है एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में। अब यहाँ पे विनाइलिक का टाइप्स 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ओके। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में आप नेचर ऑफ कार्बन नहीं देखते, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं देखते। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा नॉर्मल हेलो एरीन। इसमें क्या होगा, हेलोजन डायरेक्ट अटैच होता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, ओके। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर इसमें हेलोजन कैसे sp2 कार्बन sp2 से एवरी अटैच है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये हो गया आपका हेलोजन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसलिए जो है इसे हम एराइल हैलाइड या हेलो एरीन कहते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने जो है मोनो हेलो अल्केन पढ़ा है। मोनो हेलो अल्केन में जो है आप मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो एरीन, उसमें मोनो हेलो अल्केन के टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, ओके। जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी था, देन आफ्टर हम लोग पढ़े हैं क्या, ये डाई हेलो अल्केन एंड डाई हेलो एरीन, जिसमें हम लोग डाई हेलो अल्केन के दो टाइप्स जो है जेम और विसरनल डायहैलाइड के बारे में डिस्कस किए थे। फिर टर्सरी डाई हेलो अल्केन और डाई हेलो एरीन के बारे में डिस्कस किए, जो कि नॉर्मल है, इसके टाइप्स हैं नहीं। देन आफ्टर हम लोग ऐसे कंपाउंड ऑफ हेलोजन के बारे में डिस्कस किए जिसमें हेलोजन जुड़ा हो किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। तो इसमें एक नॉर्मल एलाइलिक हैलाइड आता है जो कि नॉर्मल हेलो अल्केन है, दूसरा आपका आ रहा था क्या एलाइलिक हैलाइड, और लास्ट वन इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड, ओके। अगर हम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, अगर हेलोजन कार sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा आता है क्या, आप यहाँ देख सकते हो ये वाला विनाइलिक हैलाइड, और लास्ट वन इसका क्या एराइलिक हैलाइड, या यही है सिंपल हेलो एरीन। तो इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन हमारा कंप्लीट होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आप अगर एनसीईआरटी देखिएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलूँ, ओके। तो आप अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा तो वो है क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ओके। तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। तो यहाँ देखिएगा CX मतलब क्या है, आप जानते हो X स्टैंड फॉर है हेलोजन, ओके। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और C स्टैंड फॉर है यहाँ पे आपको कार्बन। चलिए अब सबसे पहली बात, कार्बन और हेलोजन के साथ जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके, बॉन्ड के, वो उस पर डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए कार्बन तो हमेशा सेम होगा, लेकिन हेलोजन डिफरेंट होगा। जैसे कि हेलोजन एक फ्लोरीन हो सकता है, दूसरा क्लोरीन हो सकता है, नेक्स्ट ब्रोमीन हो सकता है, और लास्ट वन इज आयोडीन हो सकता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा है जो कि थर्ड है क्लास 11th का, तो आप जानते हैं कि अगर एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज की, तो फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा है क्या आयोडीन। अब ये देखिए कार्बन का साइज हर एक जगह क्या है, सेम है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जरा मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे चीज़ों को कि देखिए मैं ये कार्बन का साइज कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही साइज का बने। आप इसे देखिएगा कार्बन का, ये एक ही साइज के सारे कार्बन है। लेकिन फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज होता है, क्लोरीन का उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे भी बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज क्या होता है, उससे भी बड़ा होता है। तो अगर आप इस कंडीशन में देखिएगा कार्बन फ्लोरीन के बीच का लेंथ, कार्बन ब्रोमीन के बीच का लेंथ, और कार्बन क्लोरीन के बीच का लेंथ, और नेक्स्ट कार्बन ब्रोमीन, और लास्ट वन इस कार्बन आयोडीन के बीच का लेंथ, तो आप बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन फ्लोरीन
से ज़्यादा बड़ा है कार्बन क्लोरीन का, कार्बन क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा है कार्बन ब्रोमीन का, और कार्बन ब्रोमीन से ज़्यादा है किसका, कार्बन आयोडीन का। आप ऑब्वियसली बात है इस डिस्टेंस को आराम से देख सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज यहाँ पे टॉप टू बॉटम हैलोजन का बढ़ रहा है। कार्बन का तो कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक डंडा है ना, ये एक डंडा है और ये एक छोटा सा डंडा है, दोनों को तोड़ने के लिए अगर हम जाएँ तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें मोर एनर्जी लगेगा। यदि इसे मैं दोनों हाथ से तोड़ना जाऊँ तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी कि जिसका साइज छोटा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है तोड़ने में। तो आप बॉन्ड एनर्जी कहिए या आप इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहिए, ठीक, जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में लगता है उतना ही डिसोसिएशन में लगता है, ठीक। तो जिसका साइज छोटा उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या लग रहा है आपका, ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइज छोटा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, ओके, यानी कि बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी कम, और बॉन्ड लेंथ जिसका कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। इनवर्सिटी का रिलेशन है। तो इससे हमारा एक और रिजल्ट आता है कि बॉन्ड एनर्जी या आप कह लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, में बार बार बोल रहा हूँ, का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन फ्लोरीन जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, और लास्ट वन इज कार्बन आयोडीन, ओके। अब जरा हम लोग तीसरा फैक्टर जिसे हम नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में पढ़ना है वो क्या है, उसे हम लोग देखते हैं, ठीक। वो है हमारा डाइपोल मोमेंट, ओके। आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, ठीक, ये आपको क्या है, जरा समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी एक्स बॉन्ड में क्या है, पोलराइजेशन पाया जाता है, हेलोजन का इलेक्ट्रोनिट्री ज़्यादा है तो इसके ऊपर माइनस डाल देते हैं, कार्बन का कम है तो इसे प्लस डाल देते हैं, ओके। इस दोनों पोल के बीच जो मोमेंट देखने को मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन का, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, ओके। अब इस कंडीशंस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि डाइपोल मोमेंट, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बात करें, देखते हैं कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ओके। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो आप जरा यहाँ देखिए फ्लोरीन का क्या होता है, 4.0 हम लोग जानते हैं, इसका होता है आपको 3.0, इसका 2.8 और इसका 2.5। इसका आप जानते हो कि कार्बन जो है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मैंने आपको ट्रिक बताया है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए कि इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 - 1/2 यानी 5/2 यानी कि 2.5, ओके, इसका 2.5 होता है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्स या डेल्टा ई एन की बात करें इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 का है। इस कंडीशंस में हर एक जगह कार्बन का तो 2.5 ही होगा, ओके। इस कंडीशंस में अगर आप देखने जाए 0.5 का है, इसमें 0.3 का है और आपको इसमें लगभग 0 आ गया है। तो इस कंडीशंस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन डिफरेंस घटता जाएगा तो इसके बीच जो ये पोल जनरेट होता है, ओके, इसका भी मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होना चाहिए वो होना ऐसा चाहिए कि कार्बन फ्लोरीन के बीच सबसे ज़्यादा, लेकिन कार्बन क्लोरीन का उससे ज़्यादा, कार्बन ब्रोमीन का, और सबसे कम किस में, कार्बन आयोडीन का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन फ्लोरीन जिसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, यानी कार्बन क्लोरीन का ज़्यादा होता है, देन आफ्टर कार्बन फ्लोरीन, देन आफ्टर कार्बन ब्रोमीन और देन आफ्टर कार्बन आयोडीन। यानी कि आप पहले इस ऑर्डर को याद रखो और उसमें बस ये फर्स्ट वाले को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अब देखिए बहुत लोग जो है
इसको समझाने के लिए डिफरेंट तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कि किसी तरह से अरेंज किया गया होता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि सिंपल है, आप ये ऑर्डर याद रखो, होना ये चाहिए था और बस इसको एक्सचेंज कर दो, तो ईजिली ये आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और जैसे ही याद हो गया तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी किसी तरह क्वेश्चन होगा बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछने जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक दीजिए, है कि नहीं। तो इस कंडीशंस में आपका ये हो गया नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक लेक्चर जो है 30-40 मिनट्स मैक्सिमम, ओके 35 या 40 मिनट्स का हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इसलिए हम लोग जो है इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, ओके प्रिपरेशन मेथड। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, आपके कहते हैं कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।